पूरी तरीके से गैर कानूनी यानी कि इलीगल छटनी है। छटने का जो नियम है वो भी ये है कि एक महीने पहले इनको नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद भी सीनियरिटी के हिसाब से भी लास्ट कम फर्स्ट को और दोबारा से रखे जाएंगे। तो पुराने जो कर्मचारी रेफरेंस वाले हैं उनको दोबारा से नहीं करके रखे जाएंगे। तो सारे नियम कानून कायदों को ताक पर रखते हुए जो छुट्टी की गई है सर्वोच्चासन बनाए इसकी निंदा करता है और कमिश्नर साहब से मांग करता है कि बिना किसी देरी के इनको वापस छुट्टी पर लिया जाए। सरकार के माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री प्राइवेट कारखानों से ये अपील करते हैं कि कोई भी प्राइवेट कारखाना मजदूरों की छटनी लॉकडाउन में ना करे। दूसरी तरफ प्रदेश की सरकार ही नगर निगम जैसे कर्मचारियों को जो 10-10, 12-12 साल से लगे हुए हैं उनके 560 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया। तो जब इन लोगों की खरीद की ताकत को बढ़ाने की आवश्यकता है, बेरोजगार को रोजगार दे करके GDP को उभारने की आवश्यकता है, उस मौके पर ये कदम उठा रहे हो तो ये घोर निंदनीय है, जिसको सरपंचायत संघ हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा बिल्कुल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम ये आपके मार्फत से कहना चाहते हैं, सरकार की तरफ सरकार को पहुँचाना चाहते हैं कि अगर ये छटने के कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर नहीं लिया तो ये आंदोलन केवल गुड़गांव में नहीं लड़ा जाएगा बल्कि प्रदेश के 22 के 22 जिलों में लड़ा जाएगा। उससे जो व्यवस्था खराब होगी उसके लिए पूरी तरीके से प्रदेश की सरकार यहाँ का प्रशासन तैयार होगा। सर, अभी तक जैसे कमिश्नर जी ने आश्वासन दिया था कि जिन कर्मचारियों को निकाला गया है उनका वो देखेंगे, चेक करेंगे कि किन लोगों को निकाला गया, किन लोगों को नहीं निकाला गया, तो ऐसा कुछ अभी आश्वासन दिया गया शुक्रवार को ये बातचीत हमारे नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा सरपंचायत संघ के कमिश्नर साहब से बातचीत हुई थी तो उसमें ये कहा था कि हम दोबारा से इसके मैटर को इंक्वायर करते हैं और दोबारा से इनको नौकरी पर रखने की बात हम करेंगे। तो वो अभी तक आज सोमवार तक का टाइम उन्होंने मांगा था, सोमवार तक वो आज क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इसके बाद ही हम कल बैठक करके अगले आंदोलन की घोषणा करेंगे। और जहाँ तक इनको लगाने का सवाल है, अगर कोई इरेगुलरिटी हुई है तो ये कहते हैं जिसने नौकरी लगाया है किसी कर्मचारी को तो उसने सोच समझ करके लगाया होगा, अगर कोई गलती है तो वो 12 साल से तनख्वाह कैसे ले रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये गैर कानूनी तरीके से लगा रखे हैं, ये कानूनी तरीके से लगा रखे। अगर गैर कानूनी तरीके से लगा रखे थे तो जिसने नौकरी लगाई उसके खिलाफ़ क्या कार्रवाई करें, इनको तो रोड पर बैठा दिया तो उनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई करें। तो ऐसा नहीं है, ये काम के अगेंस्ट लग रहे हैं तो काम के अगेंस्ट लग रहे हैं तो इनको वापस ड्यूटी पर लिया जाए, ये काम का फालतू बन कर्मचारी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं या हम कहें कि जो चुने हुए पार्षद हैं या और लोग हैं उन्होंने कुछ कुछ नाम दे रखे हों, उन्होंने वहाँ रख रखे हों भाई अपने कोठी पर काम करते रहेंगे तो इस तरीके के लोगों को देखा जा सकता है। लेकिन एक्चुअल में जो लोग काम मतलब कर रहे हैं वो सड़क पर बैठे हैं इस भीषण मतलब कोरोना काल में बेरोजगारी चरम पे है, आप और मतलब इस बेरोजगारी को बढ़ा रहे हो तो इनको वापस ड्यूटी पर लेने की मांग हम करते हैं। छठा दिन है, साल का छठा दिन आज, तो नेक्स्ट का क्या प्लान होगा आपको? नेक्स्ट का प्लान ये है कि आज तक माननीय कमिश्नर साहब ने ये कहा था कि हम सोमवार तक मैटर इंक्वायर करके इनको एडजस्टमेंट करने की बात करेंगे, तो आज तक हम समय दे रहे हैं तो कल हम मीटिंग करके अगले आंदोलन की घोषणा करेंगे। ये जो आपकी हड़ताल 6 दिन की छठा दिन आपका चल रहा है तो ये तो सिर्फ गुड़गांव में है या कहीं और भी चल रही है? नहीं, छठनी जो है गुड़गांव में हुई है, जो नए कर्मचारी लग करके आए हैं कलर लग करके आए हैं उनके अगेंस्ट जो 500 करीब कर्मचारी हैं अभी वो नौकरी से नहीं निकले हैं, जेई नौकरी से नहीं निकले हैं। हाँ, प्लानिंग है उनको नौकरी से भी निकालने की बात है। तो ये निश्चित तौर से गुड़गांव में है तो गुड़गांव में ये आंदोलन चल रहा है। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी परसों ही एक डिसीजन माननीय हाईकोर्ट का आया है कि हरियाणा सरकार ने पहली मिसाल आप देखोगे कि ग्रुप डी की भर्ती करी है 18,000 कर्मचारियों की पिछले साल, और बड़ा एक मुद्दा था बिना खर्ची के बिना पर्ची के 18,000 ग्रुप डी की भर्ती करी है, 1518 ग्रुप डी में स्पोर्ट्स कोटे से कर्मचारी हमारे लगे थे। लेकिन सरकार ने क्या किया, वो 1993 की जो ग्रेडिंग पॉलिसी थी जिसमें खेले थे उसके तहत लगे थे, लेकिन इन्होंने 2018 में उसको रिवाइज कर दिया। तो जो विज्ञापन जारी हुआ ना 18 की बात थी ना 93 की बात थी, तो जिसके पास 93 का ग्रेडिंग सर्टिफिकेट थे 93 के, 18 वाले थे 18 के, उन्होंने वो दिया तो उनकी सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन होने के बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में उन्होंने ज्वाइन किया, 6 महीने के बाद में कहे कि आप नई ग्रेडिंग पॉलिसी के हिसाब से सर्टिफिकेट लेकर के आओ। तो उन्होंने कहा जब हम खेले ही पुरानी पॉलिसी में हैं तो नए के कहाँ से लेकर के आए, तो उनको कहा कि हम नौकरी से निकालेंगे। वो हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उसको कहा
के जब खेल स्टार्ट हो जाता है बीच में नियम नहीं बदले जाते, इसलिए वापस ड्यूटी पर ये रहेंगे। उसके अगेंस्ट हरियाणा सरकार जो है अपनी ही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो भर्ती करी थी उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट की डबल बेंच में गई और परसों मतलब फैसला आया है कि उन कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो ये जो है इसके भी हम जो सरकार का रवैया है उसकी निंदा करते हैं। तीसरा जो पीटीआई हमारे बर्खास्त थे जिसको कहा था एडजस्ट करेंगे, लेकिन 6 तारीख से लेकर के आज 12 तारीख हो गई है, एक इंच भी सरकार आगे नहीं बढ़ी है। तो हम ये करेंगे, आपने कहा था कि विधवाओं को जो डाइवर्स महिलाएं हैं उनको हम 2 दिन में मतलब दोबारा से नियुक्ति दे देंगे, 6 दिन हो गए कोई नहीं है। अगर सरकार के दिमाग में ये बात हो कि बड़ौदा के जो उपचुनाव है इसको टहलाने के लिए हम लटका दें तो ऐसा नहीं चलेगा। इनको ऐसी नौकरी पीटीआई को चाहते हैं जिसमें जॉब सिक्योरिटी 58 साल तक की हो, पे प्रोटेक्शन हो, कोई डीसी रेट की या कॉन्ट्रैक्ट पे मतलब नौकरी नहीं चाहते हैं। वो मतलब 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी हो, पे प्रोटेक्शन हो, ऐसे कोई एडजस्टमेंट हम चाहते हैं। इससे नीचे अगर आएगा तो निश्चित तौर से इसका विरोध किया जाए। वो भी आपके पास किस चीज़ का समर्थन आया? ये तो तमाम जो सरगुंजाइजिंग से जुड़े हुए लोग हैं, 100 से ज़्यादा संगठन हैं, सबका समर्थन है। और हम यहाँ गुड़गांव के अंदर कल प्लानिंग करेंगे कि सरकार अगर ये प्रशासन नहीं मानता है तो बड़ा प्रदर्शन गुड़गांव के स्तर पर भी होगा, पूरे प्रदेश में भी आंदोलन चलेगा। अकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।